पंचकुला में रहता हूँ। 269 सेक्टर 6 में मेरी कोठी है। ये मेरी माताजी संतोष कुमारी हैं और ये मेरी पत्नी बबीता सिंगला हैं। हम बहुत अफेक्टेड हैं। हमें तो आप पत्रकारों से ही गुहार है, हमें इंसाफ दिलाओ। हमने सारे प्रशासन, पंचकुला का, अम्बाला कैंट का, सारा प्रशासन से सबके पास गए, डीसीपी साहब के पास गए, कमिश्नर साहब के पास गए, एसएचओ साहब के पास गए, किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। हमें अम्बाला कैंट में हमारे जीजा जी जो मनोज बंसल बीडी का काम करते हैं, अप्पू बीडी का काम करते हैं, बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारे 80 साल की मदर को, जो जिसके नाम पे ढकौली में प्लॉट है, उसको कहते हैं कि तुझे जान से मरवा देंगे, मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी देते हैं। मुझे कहते हैं कि अपना हिस्सा 269 सेक्टर 6 का मेरे नाम पे कर दो, नहीं तो तुम्हें जान से मरवा देंगे। दो बारी हमारे घर पे आके अटैक किया, जिसकी कंप्लेंटें हमने सेक्टर 6 के पुलिस थाने में दी, पर उसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस पर हमने 112 पे भी कंप्लेंटें करी, कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब हमें सारा का सारा जुडिक्शन अम्बाला में, पंचकुला में बनता है, फिर भी हमें अम्बाला की पुलिस प्रताड़ित कर रही है। सारा का सारा पुलिस महकमा हमें बहुत प्रताड़ित कर रहा है। डीएसपी साहब ने हमें दो बारी, तीन बार बुला के हमें इन्वेस्टिगेट किया। एसएचओ साहब अम्बाला कैंट के ने हमें इन्वेस्टिगेट किया। अब हमने सीआई स्टाफ, सारा सीआई स्टाफ हमें हमारे मगर पड़ गया। हमें हम कल्प्रिट हैं? हमने कोई मर्डर किया है क्या? हमें बचाओ, इनसे बचाओ हमें प्लीज़। हम बहुत घबराए हुए हैं, इन गुंडों से बचाओ हमें। ये गुंडों को लेके आता है? नहीं जी, कोई रंजिश नहीं थी। हमारी मदर को ये कहने लगे कि अपना प्लॉट जो ढकौली में है 100 गज का, और जो कोठी हमारी आधी 269 सेक्टर 6 में है, वो मेरे नाम पे कर दो। कि तुम्हारी एक कोठी और भी है, हमें हमारे नाम पे करो। तो इन्होंने मना कर दिया कि मेरे बेटे की हार्ड अर्न्ड मनी है, मैं क्यों दे दूँ, कैसे दे दूँ? ये मेरी देखभाल करता है, आप मेरी माता से पूछ सकते हैं इसके बारे में, बताओ। मनोज बंसल मेरा मुंडे के पीछे पिया होया जो 4 महीने का, नाल मेरी लड़की है नीलम बंसल मेरे लड़के के पीछे पई हुई है। कहते इसका एक्सीडेंट हो जाए, उसके टुकड़े करके मैं झाड़ू के साथ एक तरफ कर दूंगी। मेरे तो मेरे मुंडे की हार्ट कमाई है, उन्हें मैं प्लॉट लेना चाहते हैं। घर आके इन्होंने मारपीट की मेरे मुंडे ने, तो लड़की थप्पड़ मारे, जुत्तियाँ मारियाँ, और मेरे जवाई ने आके गुंडे के नाल मारपीट की है। आगोश बंसल इनका बेटा, एक ही इकलौता बेटा, इन्होंने मेरी बेटी को, जो लंदन में है, वो अकेली रहती हैं, वहाँ पे नौकरी करती हैं, इतनी गंदी गंदी गालियाँ उनके करैक्टर के बारे में इतना कुछ बोले, उनको जान से मारने की धमकी दी। वो इतनी सहमी हुई है, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही, वो नौकरी जाने में उनको असमंजस लग रही है। उसकी कंप्लेंट हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस को दी, उन्होंने बकायदा कमिश्नर ऑफ पुलिस को दी, कोई सुनवाई नहीं की गई। मेरी बहू के मुतलक, मेरे बेटे के मुतलक, बच्चे के मुतलक है, सारे बाला कंट से गंद पकता है। मैं फिर भी सहन कर लिया, मैं चलो छोड़ो, हूँ यह पुलिस के मगर पै गया जी, हूँ सीआईडी के मगर पै गया, अंत च सानू थोड़ा सहारा मिलिया, जो कि साधा हमें इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, मुंडा कुछ करके बाहर जूगा जी। इन्होंने दो बार सुसाइड करने की कोशिश की, हमने इनको बचाया, और इनको हर रोज कहीं ना कहीं से कॉल आते हैं कि यहाँ आओ और हमें मारने की कोशिश करते हैं। अम्बाले में इन्होंने हमें बुलाया, ये इनका उठना बैठना गुंडों के साथ है। हमें डर लगता है, अम्बाले जाते भी, कदम रखते भी हमें डर लगता है। प्लीज हमें बचाओ, हम नहीं जाना चाहते। पॉलिटिकल प्रेशर के साथ पुलिस उनके साथ कर रही है, ये पुलिस कोई मदद ही नहीं करती जी। हमें बकायदा हमें कहती है अपने प्लॉट उनके नाम करा दो। आप देखो हमारे नाम पे है, रजिस्ट्री हमारे नाम पे, 13 साल पुराना प्लॉट है मम्मी के नाम पे, ये कैसे दे दे उसको? ये किसी नाम मुझे दे, ये अपने नाम पे अपने लिए ना रखे। बहुत सारी कंप्लेंटें थी, कोई असर ही नहीं करते। वो जबरदस्ती कहते हैं समझौते पर साइन करो, उसके उच्च अधिकारियों से, उनके कजन है डीएसपी जो गुड़गांव में लगे हुए हैं, उस पे दबाव डालते हैं, हमारे पे दबाव डालते हैं। इनका सबका मास्टरमाइंड आगोश बंसल है जो करवा रहा है,
और मनोज बंसल और नीलम बंसल हमारे ऊपर ये कार्रवाइयां करते हैं, डेली कुछ ना कुछ बोलते हैं। तीन महीने से हम सो नहीं रहे, 5 किलो हमारी मदर का वजन कम हो गया, 7 किलो मेरा वजन कम हो गया, हम कुछ कर बैठेंगे, हमारी फैमिली में कोई ना कोई कुछ कर बैठेगा, हमें बचाओ। इनका बेटा मनोज बंसल का बेटा है जी, वो सारा कुछ इनको सिखाता है कि ऐसे ऐसे करके इनकी दोनों की प्रॉपर्टियां छीनो। आपका वो मेरा भांजा लगता है, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है, मैंने इन हाथों से पाला हुआ है उसको। हाँ जी हाँ जी, वो उनके साथ मिली हुई है, सारा परिवार हमारे अगेंस्ट ऐसे लड़ रहा है। मेरी दो बहनें हैं जी, वो इतना समझाती हैं, उनकी बड़ी बहन इनको समझा रही थी, समझाते सार उन्होंने उसके घर पे अटैक किया। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसमें रिकॉर्डिंग है, इतनी गंदी गंदी गालियाँ उसने कहा कि हम तीनों का मर्डर कर देंगे। मनोज बंसल ने सरेआम धमकी दी है रिकॉर्डिंग में कि भी हम तीनों का मर्डर कर देंगे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जहाँ मर्जी अंदर कर दो हमें। अब इतनी जितनी शिद्दत से उनको मारा, उससे 4 गुना शिद्दत से हमें घर पे आके इन्होंने मारा पिटा। नहीं, हमारे पास सीसीटीवी हमें नहीं लगा हुआ था, लेकिन मेरी हमारी बहन के घर पे लगा हुआ था, वो सारा रिकॉर्ड हो गया और उनकी आवाज़ भी सारी रिकॉर्ड है। इतनी गंदी गंदी गालियाँ, इतने हमारे करेक्टर के बारे में इतना गंद बका है इन्होंने जी। नहीं, कोई रंजिश नहीं थी जी, बस सिर्फ हमने इस बात को, मदर ने इनकार कर दिया कि भी हम अपनी प्रॉपर्टियाँ नहीं देंगे। मैं अपने बेटे की प्रॉपर्टी क्यों देने दूँ उसको, और मैं अपनी प्रॉपर्टी क्यों दूँ? मैं जब मरूंगी मैं वसीयत करके जाऊंगी, जिसके मर्जी दूं, मेरा हक है। मैंने सारा जीवन जीना है, अभी मेरे 10 साल है, 2 साल है, 5 साल है, बस उसी की रंजिश से ये फिर आगे सारा मुकदमा बढ़ गया। कोई कोर्ट केस नहीं किया जी, वकील कहते हैं कोई कोर्ट केस बनता ही नहीं है इनके खिलाफ। हम 10 बार गए कि हरासमेंट का केस हमें डाल दो, वो कहते जी आप DCP के साहब के पास जाओ, वो कोई सुनवाई ही नहीं करते जी। मैंने DCP साहब के पास भी एप्लीकेशन दी है, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। अंबाला कैंट में इसका जुडिक्शन ही नहीं बनता, अंबाला कैंट में हमें क्यों घसीट रहे हैं? अब CI स्टाफ घसीट रहा है हमें। वो हमारे से सारी इंक्वायरी करते हैं कि ये दोनों प्लॉट, हम सारे कागजात हमने उनको दिखा दिए, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, फिर बुलाते हैं। SHO साहब ने बुलाया, हमने सारा सेटिस्फाई किया, फिर भी हमें बुलाते हैं वो। उनसे केस वापस ले लिया। अब जब वो सेटिस्फाई हो गए तो उनसे केस वापस करा के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर दबा के CI स्टाफ को दिला दिया। हमने कोई मर्डर थोड़ा किया है, हम कोई मर्डरर हैं जो हम CI स्टाफ में जाके इंक्वायरियाँ कराएं? अब वो कहते हैं कि हम तुम्हें उठवा देंगे, CI स्टाफ से उठवा देंगे। हमें बहुत डर लगता है भाई साहब, बहुत डर लगता है। हमें नहीं पता जी, वहाँ पे जो लोकल पॉलिटिकल है वो वहाँ पे उन्हीं का प्रेशर है, वो कहता जी मैं मेरा उठना बैठना इनके साथ है, उनके साथ नहीं। हाँ, मैं मुझे मुझे नहीं पता जी उनके बारे में, मैं ना उनका नाम ले सकता हूँ। हम अनिल बिज के पास भी गए अपनी दरखास्त लेने, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा जी हम सुनेंगे आपकी बात को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं उनके बाद भी। पंचकुला में हम SHO अरुण जी के पास, कमिश्नर साहब के पास, DCP साहब के पास हमने दरखास्त दी, कोई सुनवाई नहीं जी, कोई सुनवाई नहीं। सब कितनी बार आपने हमने 4 बार शिकायत दी जी, अब परसों भी हम शिकायत दे के आए, कमिश्नर साहब के पास भी दे के आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई आपके साथ कोई गलत नहीं होगा, लेकिन कुछ नहीं जी। ये इनका उच्च अधिकारियों के साथ, पॉलिटिकल पार्टियों के साथ उठना बैठना है। हमें इंसाफ दो जी, हमें इनसे इससे बचाओ। ये गुंडे लगे घूमता है, हम घर से बाहर निकलना हमारा मुश्किल हुआ पड़ा, गुंडों की गाड़ियां घूमती हैं। हम अंबाला कैंट में जाते हैं तो नीचे साथ साथ गुंडे हमें देख रहे होते हैं, इसकी फोटो है आपको भेजी है हमने, आप देखो ठाकुर नाम का गुंडा हमें शरेआम धमकी देके गया है कि हम मुजफ्फरनगर के गुंडे बाहर के तुम्हारी कोठी को कहते हैं। अगर हमने करना चाहा तो हम बहुत कुछ कर देंगे, उन्होंने मुझे ये धमकी दी। कुछ नहीं, कार्रवाई नहीं, कुछ करते जी करेंगे कहते हैं, कुछ कोई कार्रवाई नहीं करते। हाँ जी, ये 4 महीने से चल रहा है जी। जब इन्होंने ना की ना कि हम मैं नहीं दूंगी प्रॉपर्टी, उसके बाद ये शुरू हो गया। शराब पी के सुबह मॉर्निंग में 3-4 बजे इनको 2-3 मैसेजेस हमारे पास हैं, इनको मदर को गालियां, बहन की लोड़ी, इतनी गंदी गंदी गालियां निकाल के ऐसे बोलते हैं। बताओ तीन बजे इतनी गंदी गंदी गालियां बकते हैं जी। कोठी हमारी कोठी ग्रैब करना चाहता है, और मदर का प्लॉट जो डकौली में है उसको ग्रैब करना चाहता है, वो हमारे नाम पे, हम आप कागज देख सकते हैं। वो बीड़ी का काम करते हैं जी, अप्पू बीड़ी का है जी, मेरी दवाइयों का काम है जी, कालका में। हाँ जी,
मैं पंचकुला में रहता हूँ जी, सेक्टर 6 में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं उसमें नहीं, आदि हमारी है जी, आदि इनके नाम पे है जी, इन्हीं के नाम पे है जी आदि, वो मैंने ही दिलाई थी इनको। अच्छा। और इनके इनका हमें जब हमने ली थी तो इन्होंने ग्राउंड फ्लोर का हिस्सा हमें दिया था, उसमें हम रह रहे हैं, और फर्स्ट फ्लोर का हिस्सा इनके पास था, इन्हीं के पास है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अपना हिस्सा मेरे नाम पे कर, और इसको कहता कि ढकौली वाला प्लॉट जो 2 करोड़ रुपये का है वो मेरे नाम पे करके दे। वो कैसे दे दें जी, हमारी हार्ड एंड मनी है, हमारे पिताजी सर्विस मैन थे, हमने 2-2 रुपए जोड़ जोड़ के हमने ये चीज़ें इकट्ठी करी हैं। नहीं जी नहीं, वो कहता है जी मुफ्त में क्या, मेरे नाम के करके दो। कहते हम, मैं ऐसा प्रेशर बना दूंगा कि तुम खुद अपने, वो पुलिस का प्रेशर ही इसलिए बना रहा है कि भी ये प्रॉपर्टियां हम उनके नाम पे कर दें, डर के हम चले जाएं। हाँ जी हाँ जी, इतना प्रेशर किन का जी? जय जी का नंबर है जी। हाँ जी, आप रजत गुलिया जी से, जो DSP साहब ने अभी मुझे इन्वेस्टिगेट किया अंबाला कैंट के, आप उनको उनसे बात कर सकते हैं, आप उनको मिला के पूछें कि भी आप हमें तंग क्यों कर रहे हैं। आप CI स्टाफ नरेश से पूछे भी हमें तंग क्यों कर रहे हैं, आप हम हमें वहाँ पे क्यों बुलाते हैं, SHO साहब से पूछे हमें। यही शिकायत कर रहा है जी, आप देखो इसमें एक दो शिकायतें डाली जी, एक पंचकूला में डाली, उसमें मान रहा है ये कि आधी कोठी हमारी है और ये प्लॉट इनका है। दूसरी शिकायत एक झूठी बनाता है कि वहाँ पे लिखता है कि भी इसके पैसे हमने पहले ही दे दिए थे और ये प्लॉट हमारा है, इसने खोस लिया भी हमें दिलाया जाए। ऐसा कभी आप किसी के नाम कोई प्रॉपर्टी कर सकते हो? किसी को पैसे दे के आप अपने पैसे लगा के मेरे नाम पे प्रॉपर्टी कर सकते हो जो करोड़ों रुपए की है? अघोष बंसल ने मेरी बेटी को धमकाया, उसको मारने की धमकी दी है, वो इतनी सहमी हुई है, छोटी सी बच्ची है, एक ही बेटी है, एक बेटा है, अभी पढ़ के आया है। हम तीनों को घसीट रहे हैं जी पुलिस में, हमें तीनों को घसीट रहे हैं। ये हाउस वाइफ है, इनको यही नहीं पता चूल्हे के बाहर क्या है, ये कि कौन सी कोठी का ईंट को किसको कहते हैं, इसको घसीट रहे हैं पुलिस, इसको घसीटती है, इसके बयान लेती है, शर्म नहीं आती इनको। इस लड़के ने जी अन्य गंदे एक्शन किए हैं, बहुत मतलब पुलिस ने बीच पत्ता नहीं, आप उसकी CCTV कैमरा की रिकॉर्डिंग मंगा के देखो, इस तरह ने गंदे एक्शन किए हैं, बदमाश बंदा है, 40 साल ही गंद मरने लगो है, मैं कहा जवाई है, मगर इन्हें अपना आप अपना उगू कर लिया सारा कुछ। हम बहुत परेशान है भाई साहब, बहुत परेशान है, परेशान है हम। सारी गली हम बाहर निकल नहीं पा रहे, पुलिसी है कहते सारी गली जी परेशान है, हर रोज आके कंप्लेंट कर दी है, रात नू सारी रात है सिरगिटा पींदा गली दे विच, है 100-100 वारी कहता जी सानू फोन करता है बैठ के अपने घर, इसको अंदर करो, अनिल सिंगला को अंदर कर दो, तब वो देगा अपनी प्रॉपर्टी। ऐसे कैसे क्या करूं जी मैं, बताओ, हमारा निकलना मुश्किल हो गया जी, गाड़ियां निकलती हैं गुंडों की हमारे घर के आगे से, वो कहते तो कुछ नहीं है लेकिन हमें डर तो लगता है जी, निकलते हुए डर लगता है। जब हमने DSP साहब के पास इन्वेस्टिगेट किया, नीचे 7 गुंडे जी, मैं आपको उनकी सारी सबकी फोटोएं भेजी मैंने आपको, 7 गुंडे ऐसे देख रहे जी हमें, आप उनके करेक्टर देखो जी, आप ठाकुर के उनका करेक्टर पता करो कि वहाँ पे ये क्या काम करता है, क्या इसका इसके क्या बैकग्राउंड है। उसने घर पे आके हमें धमकी दी कि मुजफ्फरनगर के गुंडे बाढ़ के, हमें तुम्हें यही नहीं पता लगा कि कब पैदा हुए और कब मर जाओगे, मर जाएंगे जी ऐसे, तो एक आधा मर जाएगा जी हमारी फैमिली में से। यही रंजिश है जी, वो क्या DSP साहब कहते जी ये रंजिश कैसे खत्म हो सकती है, मैंने कहा जी आप हमारी दोनों प्रॉपर्टी इनके नाम दे दो, रंजिश खत्म हो जाएगी जी, आप हमारी दोनों प्रॉपर्टी आप सारे कहो कि हम अपनी अपनी सारी जायदाद इनके नाम कर देते हैं, रंजिश खत्म है जी। स्टार्ट जैसे जी हमने नहीं, आफ्टर मैरिज बहुत अच्छा रिलेशन था जी हमारा, बहुत बढ़िया थे जी हमारे साथ, मैंने इन बच्चों की मैरिज अपने हाथों से की हुई है भाई साहब, जो ये बच्चा मेरे अगेंस्ट ऐसे बोलता है, मेरी डॉटर को ऐसे थ्रेटन करता है, और ये सारा मास्टर माइंड ही इसका इसके बेटे का अघोष बंसल का, वो 38 साल के होंगे जी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।